हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये डिजिटल पावर मीटर, आप ये देख रहे हैं केवाईसी कंपनी का है, तो ये हमने ऑनलाइन अमेज़न से मंगाया है और इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले हम बता दें, जो इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ है वो इसके बारे में अपलोड हुआ है, तो इसको हम फिर से बता दें कि ये जो है हमने प्रोडक्ट नेट पर बहुत सर्च करने के बाद तो इसको हम मंगवाया है हमने, इसलिए कि हमारे बगल में एक हादसा हो गया करेंट से, तो हमने सोचा कि कुछ पैसा खर्चा करके कर दे ताकि हमारे घर के जो भी लोग हैं सुरक्षित रहें। तो ये हमने मंगवाया, ये 800 रुपया में हमें अमेजोन पे मिला है 3200 एम्पियर में, और इसका हमने अनबॉक्सिंग पिछले वीडियो में किया है और हमने बताया है कि करंट लगने पर ये कैसे वर्क करता है और ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, अर्थ लीकेज, ये सब के लिए ये कारगर है। ये 3 इन 1 है, इसमें ELCB, MCB, RCCB ये सब है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये मीटर के बारे में। तो ये मीटर हमने मंगवाया है, इसमें खास ये है, ये इसमें ये दिए हुए है वायर, इसमें ये है आपको डिग्री दिखाने के लिए। तो हमने समय बचाने के लिए पहले से वायरिंग कर दिया है, इसको निकाल करके इसमें ये वायरिंग के लिए कुछ इस पे लिखा हुआ है और यहाँ से ये इसमें जो है आपका सॉकेट इसमें डलाएगा। तो इसमें जो है आपको इस तरह से लग जाएगा और इधर में देखें तो आपका जो है ये वायरिंग के लिए दिए हुए है, ये 4 आपको सॉकेट है जिसमें वायर, इसमें बिजली का वायर हमने डाल दिया है, यहाँ एक ही प्लग में 2 वायर डाल दिया है। तो इसमें हमने वायर डाल दिया है और ये एक प्लग से 2 वायर लगा दिया है और एक इसमें हमने बिजली का कनेक्शन दे दिया है और एक ये एम्पियर वाट और एनर्जी के लिए इधर में ये वायरिंग होगा। इसका वायरिंग हमने किया था लेकिन ये तार छोड़ दिया है, तो हम इसको फिर से जोड़ लेते हैं। तार टूट गया था, थोड़ा पतला तार है, इसमें आप दूसरा तार भी जोड़ करके इसमें कस सकते हैं। ये हो गया, तो ये एक किसी एक में आप जो लोड जिस पे चल रहा है किसी एक में इसको डाल करके और आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमने कनेक्शन कर लिया है और हम इसको अब लोड दे करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें एक आपको बता रहे थे कि इसमें एक और सब जो भी एनर्जी मीटर होते हैं उससे कुछ हटकर ये है, आप इसमें देखेंगे कि जैसे इसमें ऊपर में वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको करंट दिखाएगा कितना एम्पियर करंट चल रहा है, इधर वाट दिखाएगा और इधर जो है टाइम शो करेगा। इसको हम लोड दे करके देखे थे तो ये टाइम 29 मिनट जो है हमने इसको चलाया है और इसमें जो है आपका 200 जो है घंटा इसमें आपको इसमें मेमोरी में रख लेता है। यहाँ अभी डिग्री सेल्सियस बता रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पावर फैक्टर और आपको यूनिट्स शो होता है। तो यहाँ जब हम लोड देंगे तो यहाँ यूनिट्स शो होगा, एम्पियर शो होगा और वाट शो होगा,
और ये खास बात यह है कि इसमें टाइम जो है, इसमें और सब मीटर में जो है आपका हर्ट्ज दिखाता है, लेकिन इस मीटर में आपको टाइम दिए हुए है। अगर आपका घर पर कितना देर तक लोड रहा, कितना घंटा चला, एक दिन में, 7 दिन में या 1 महीना में, ये आपको टाइम शो होगा। जब इस पे लोड रहेगा तभी ये टाइम शो होगा, अगर लोड नहीं रहेगा तो टाइम शो नहीं होगा। जैसा कि हम आपको इसको अभी हम दे दिए हैं कनेक्शन, तो देखिए आपका टाइम जो है 29 मिनट का 29 मिनट ही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें लोड देंगे देखिएगा इसमें टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 मिनट होगा तो 30 हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको लोड दे करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये कनेक्शन कर लिया है, अब हम इस पे लोड दे करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम एक प्लग इसमें डाल रहे हैं और लोड जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि 0.80 आपको एम्पियर शो हो रहा है, और वाट जो है शो हो रहा है 187 वाट, और पावर फैक्टर में आपका 0.99 शो हो रहा है। तो और लोड हम बढ़ाते हैं, जा वहां तो होगा ना, UPS तो होगा। चलो ये हो गया, तो अब जो है लोड 334 वाट शो हो रहा है, 340 वाट बढ़ घट रहा है, और एम्पियर जो है आपका 1.42 शो हो रहा है, वोल्टेज 232 है। और भी हम लोड दे करके देखते हैं, तो यहाँ से हम लोड बढ़ाते हैं। ये देखिए अब लोड हमारा 465 वाट, 60-65 वाट इस तरह से आ रहा है, और एम्पियर जो है 2 एम्पियर शो हो रहा है, डिग्री 34 डिग्री है, पावर फैक्टर उतना ही है, थोड़ा समय से बढ़ेगा। तो इसमें जो है अब देखिए टाइमिंग जो है हमारा 29 था, तो अभी 30 आ गया, 1 मिनट, यानी 1 मिनट मेरा ये यूज किए हो गया। तो इसमें मजे की बात यह है कि हमारा टाइम भी शो हो रहा है, और कितना देर बिजली चला ये भी इसमें शो होगा, या इन्वर्टर पे लगाते हैं तो कितना देर इन्वर्टर मेरा बैकअप दिया, या कितना देर उसमें कितना एनर्जी यूज हुआ, कितना घंटा चला, कितना देर बाद बंद हो गया, ये सब इसमें शो होगा। और मिनट जो है और पावर फैक्टर, ये जो है बैकअप इसका मेमोरी में रह जाता है, ये आपका जो है डिलीट नहीं होगा जब तक आप यहाँ से रीसेट नहीं दबाते हैं। यहाँ मीनू है, यहाँ से आप रीसेट दबाते हैं तो आपका पावर जो है रीसेट हो जाएगा, उसके बाद से आपका 0 से काम करेगा उसको। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन को भी दबा दें।